بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

आज हमारी गुफ्तु का महवर होगा झूठ छोड़ने के समरात और सदाकत के फवाद रसोल्ला सल सल्ला वसलम पे नाजिल होने वाला कुरान इस बात का मुतालबा कर रहा है या यादीन अतकल्ला ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डर जाओ वकून मासादीन और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ बात दुरुस्त करना ये बहुत बड़ी बसीरत की बात है अल्लाह मालिकुल मुलुल्क फरमाते हैं यादीन अमनत कौलन सदीदमान कौले सदीद को अपना शहार बना लो सीधी बात इस सीधी बात का नतीजा क्या निकलेगा युस लहलकुम अमल विर लकुम जुनूब कुम मालिकल्क तुम्हारे तमाम मसायल की असलाह फरमा देंगे

दुनिया की कोई चीज भी तुम्हें नहीं मिली तो किसी बात की परवाह न करना हिफ व अमान अमानत की हिफाजत अगर तेरे अंदर आ गई बहुत बड़ी नियामत व सिद को हदीस बात सच्ची करना अगर तेरे अंदर पैदा होगी ये हसलत व सिद को हदीस और बात की सच्चाई वस्न वली और अगर तेरा अखलाक अच्छा हो गया वाइफ तो मकाम और अगर पाक दामनी तेरा तोशा हलाल हो गया ये चार नेम अगर तुझे मिल गई तो पूरी दुनिया में जो कुछ भी तुझसे ज़ाया हो गया कुछ नहीं बिगड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली, वाली, वाली वसल्लम ने इस हदीस के अंदर चार बड़ी नियमतों का तस्कर किया है अमानत की हिफाजत करना बात सच्ची करना अच्छा अखलाक अपनाना और तोशा हलाल कर लेना ये चार नियमते जिसको मिल जाएं ये शख्स कामयाबी की जिंदगी गुजारता है बल्कि सादरदी अल्लाह तुने जब सवाल किया था या रसूल सल्लावा सल मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं मुस्तजाबाव बन जाऊं तो आपने एक ही जवाब दिया था अतिब मकाम क्या अपने खाने को हलाल कर लो तो मुस्तजाब दावत बन जाओगे। दुनिया के अंदर प्रवास करने के लिए इंसान को दो परों की ज़रूरत है सिद्कुल मकाल अकल जुबान की सच्चाई और हलाल तोशा जिसको नसीब हो जाए वो दुनिया में भी परवाजें करता है

द मकाल के साथ और सिद अमल के साथ जो अल्लाह मालिकुल मुल्क से तलब करता है हिदायत मांगता है इस सदाक़त की वजह से मालिकुल मुल्क उसे एक ऐसा आईना नसीब कर देते हैं जिस आईने की रोशनी में वकोबातिल में तमीज़ कर सकता है तो सच्चाई इंसान को हकबातल की तमीज करवा देती है रसुल्लाम ने इसलिए सिहाब के तआला रिजवान अजमाइन को यह कह कहकर नवीद सुनाई थी अन बिबई तिनफी रोबन्न

जो झूठ छोड़ दे खाव मजाक करते हुए झूठ बोलता है ये भी जायज़ नहीं है वी भई फी अल जन्न मन हसन खुल और मैं जन्नत के वाला खानों की जमानत देता हूँ उस शख्स को जो अपने अखलाक को अच्छा कर ले रसोल्ला सल्ला वसम ने उमत इस्लामिया को सच्चाई का लिवादा ओढ़ने का हुक्म दिया और फरमाया जो इंसान जिसके पास कोई चीज़ नहीं है और उस चीज़ का वो दावा कर दे कि मैं इस चीज़ का हामिल हूँ तो वो ऐसा इंसान है कलाबिसी सऊबई जोर जैसे उसने झूठा लिबास पहना हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उम्मत को इस बात की भी खबर दी अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है लोगों अकफिलूली बिसित्तिन لكم بالجن. छह चीजों की जमानत मुझे दे दो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं और दूसरी रिवायत में आता है तकबलूल لكم बिलजन छह चीजें तुम कबूल कर लो जो मैं बयान करने लगा हूं जन्नत की जमानत तुम्हें देता हूं तुम जन्नत को उसके बदले कबूल कर लेना जद सा हद फलायक जिब जब तुम में से कोई शख्स बात करे तो झूठ ना बोले जब गुफ्तु करे सीधी बात करे बात में कोई झोल नहीं होना चाहिए किसी मुसलमान को धोखा देने की कोशिश ना करे गलत बयानी की कोशिश ना करे बात दुरुस्त हो सच्ची हो हकीकत के मुआफिक हो तो क़यामत के दिन में तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं इजा हद दस हद हुकुम फला यक्स झूठ ना बोले जब वो बात करे वीना فلا यखुन अगर उसके पास अमानत रखी गई है तो खयानत ना करे क्योंकि खियानत इंसान को दुनिया में भी आजमाइश से दो चार कर देती है अलैहि वाली वसल्लम तो फरमाते हैं मीन असदूक वो इंसान जो खाजिन है अकाउंटेंट है अमानत दार है सच्चा है यदफाऊ माउम ही बम बिहा नफसो अहदुलमुतिन उसका अपना माल तो नहीं होता अपने जिम्मेदार के ऑर्डर की रोशनी में वो खुश दिली से खुशी के साथ मुआफरन कामिलन पूरा पूरा अदा कर देता है उसकी जिम्मेदारी है कि उसने जो माल उसके पास पहुंचा जहां उसको हुक्म दिया जाए वहां पहुंचाना है लेकिन पहुंचाते वक्त दो चीजों का अगर वो ख्याल रखता है अमानत दारी के वो पूरा पूरा दे तीबतम भी हा नफसु और दिल की खुशी से दे और बात भी समझने वाली है उसका अपना तो माल है ही नहीं कि वो मुंह बनाए इन दो चीजों को सामने रखते हुए वो माल पेश कर देता है अगर पचास लाख उसके हाथ से इस्तेमाल हुआ है तो क़ियामत के दिन पच्चीस लाख तो अल्लाह मालिकुल मुल्क इसके नाम आमाल में सदका बना के लिख देंगे मेरी अल्लाह सुबहाना हूँ दुआ है मालिकुल मुल्क हमें सच्चा बनाए सित के मकाल और सित के अमल हमारी ज़िंदगी का शार बनाए नाजरीन किराम अभी चंदम्हाद का वक्फ़ा होगा वक्फ़े के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नाजरीन के राम वक्फफे से पहले हम ये बात कर रहे थे सुल्लाम ने फरमायाकफिल बिसन अकफुल बिल जन्न लोगों छ चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं जब तुम में से कोई बात करे तो झूठ ना बोले

अपनी नजरों को झुका के रखो वकुफ और अपने हाथों को जुल्मो ज्याती से बचा के रखो वहफबरूजकुम और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर लो बात हो तो सच्ची अमानत रखी जाए तो खयानत न की जाए वादा करो तो उसको निभाओ और अपनी नजरों को झुका के रखो सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्ला वाली वसल्लम ने इस हदीस में अखलाकियात की बुनियादों का तस्करा कर दिया है। कि एक इंसान अमानत दार भी हो वादे का पाबंद भी हो और सित के अमल उसकी फिरासत और बसीरत की दलील भी हो और फिर वो बाया भी हो कि वो नजरें झुका के चलने वाला हो सल्लल्लाहु रसुल्ला वाली वसल्लम ने के किराम से फरमाया कि तुम रास्तों में खड़े होते हो बैठते हो ये न बैठा करो सिहाबी ने सवाल कर दिया अल्लाह के रसूल सल्ला वसल्लम को ज़रूरी काम की गरज से हम बातचीत करते हैं फरमाया अगर तुम बातचीत करने के लिए बैठना ही चाहते हो फरीक का हक का तो फिर रास्ते का हक अदा कर दिएगा किला हक वरीक सवाल किया गया कि रास्ते का हक क्या है फरमाया अब्दुल बसर वम वैफ उल अजह वरूफ व नहींकर रास्ते में चलो नजरें झुका के चलो रास्ते में चलो कोई सलाम कहता है उसके सलाम का जवाब दो रास्ते में चलो खड़े हो अपने हाथों को जुल्मों ज्याती से बचा के रखो अपनी इस्तात के मुताबिक अच्छे अंदाज से नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो और यह एक हकीकत है एक मुसलमान अपने अंदर खुशबू पैदा कर सकता है इस तरीके से कर सकता है

और जो फजूल खानों से परहेज कर लेता है अल्लाह मालिकुल मुल्क उसको इबादत में लज्जत नसीब कर देते हैं वमन तर के फजूल अल कलामी मुनिहल हिक्म और जो लगवियात से परहेज कर लेता है अल्लाह मालिकुल मुल्क उसको हिक्मत और दानाई से नवाज देते हैं वमन तर के फजूल अल मुनि है वह और जो फदूल कह कहे से बाज आ जाता है वो शख्स हैबत से नवाज दिया जाता है कब्दुल बसर नजर को झुका के रखो ग अबसा रखुम वकुफ आईदी अकुम अपने हाथों को

चलते जमीन पे थे कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी और वो कहते हैं किसी ने पूछा इतना मर्तबा कैसे मिल गया एक तो सही बुखारी की रिवायत में है कि जब भी वो वजू करते तो दो रखते पढ़ लिया करते और खुद फरमाते हैं मैं कज़िब तो तहजीब मुंजु असलम तू जब से मुसलमान हुआ हूं आज तक एक भी झूठ नहीं बोला उमर बिन अब्दुल अजीज रहा नाइनटी नाइन में उनको हुकूमत मिली दो साल हुकूमत में दुनिया में अदल इंसाफ कायम कर दिया वो कहा करते थे मैं कहब तो मुंदु शद्दतु शत तो इजारी जब से मैं होश संभाला है तहबंद बांधना शुरू किया है उस वक्त से आज तक एक भी झूठ नहीं बोला ये सहादतें ये बुलंदियां ये मुकाम सच्चे लोगों को ही नसीब होते हैं रसूल सल्ह वसल्लम ने एक और बात समझाई है फरमाया सनावात सती कुछ साल आएंगे धोखे वाले साल युसौद खुफी अलकाजिब लोग झूठों लोग झूठे आदमी को सच्चा कहेंगे वायु कदी सादिक और सच्चे को झूठा कहेंगे वायु तमुफी हलकाइन खाइन आदमी को कहेंगे बड़ा अमानतदार है ويخون فيها الامين اور امين आदमी وينطق فيها الرويبضه الرويبضه بوليغا الرجل التافه الذي يتكلم في امر العام قيل وما الرويبضه وشا غير رويبضه کیا ہے فرمایا

नाज़रीन ए किराम सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम ने एक जरूरी बात समझाई है अस्मा बिन यजीद رضی اللہ تعالی عنہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम ने हमारी जिंदगी के मुतालिक एक जरूरी पैगाम ये भी दिया है ला यस्लुहुल कذب الا فی ثلاث झूठ जायज नहीं है हां तीन जगहों पे इंसान बेहतरी पैदा करने के लिए और हालात को साजगार बनाने के लिए उसके सामने ऐसी गुफ्तु पेश कर सकता है युहादिश और रजल उमरात है है अपनी घरवाली को राजी करने के लिए उसके सामने ऐसी गुफ्तु तो पेश कर सकता है वलकैब फिलहर और जंग के दौरान इंसान इस पहलू को इख्तियार कर सकता है वलकैद लियन और लोगों के दरमियान सुलो करवाते वक्त इस पहलू को इख्तियार किया जा सकता है कि एक भाई के पास जाए कहे आप ऐसे ही उसको बुरा भला कह रहे हैं वो तो आप के साथ बड़ी मोहब्बत रखता है उसके पास जाए और कहे आप ऐसी परेशान हैं उसकी तो बड़ी तड़प है कि आपसे मिले तो दो मुसलमानों को जोड़ने के लिए मुनासिब अल्फाज पेश किए जा सकते हैं अल्लाह मालिकुल मुल्क से दुआ है अल्लाह मालिकुल मुल्क हमारे अमल हमारे कौल को सच्चा बनाए और हमें सच्चा मुसलमान बनाए जब तक रखे ईमान से रखे जब बुलाए तो ईमान की खूबसूरत कैफियत में बुलाए और हमें कायनात के सबसे सच्चे इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत नसीब फरमाए सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन